शहर के व्यापारियों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि त्योहारों के दिन है लेकिन उनके पास सामान के लाने ले जाने का कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि पटरियों पर किसानों ने धरना दे रखा है और बसों का शहर में प्रवेश बंद है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह उनकी समस्याओं को समझते हुए सरकार उन्हें आने जाने के साधन मुहैया करवाए ताकि उनका परिवार प्रभावित होने से बच सके। जिस तरह की हमने देखा है कि इस साल के शुरुआत से ही जो कोरोना महामारी का प्रकोप फैला पूरे भारत में और पूरे विश्व में, जिसके साथ सीधे तौर के ऊपर जो व्यापार और व्यापारी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सारे ही व्यापार एकदम से बंद कर दिए गए, लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से जो व्यापारी लोग थे, जो इंडस्ट्री थी, वो एकदम थम गई। और उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद हमने देखा कि चाइना के साथ जो इंडिया के मतभेद थे, बॉर्डर के ऊपर लड़ाई का जो तनावपूर्ण माहौल बना, उससे भी सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो व्यापारियों के ऊपर पड़ा। और ये अभी मसला सुलझा नहीं था कि उसके ऊपर जो किसान बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया और उसकी विरोधता जो पंजाब भर में और विश्व पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसके वजह से भी जो है इंडस्ट्री को, व्यापार को बहुत प्रभाव पड़ा है। और इसके बाद बात करें कि अब जो व्यापारी इतनी जद्दोजहद से गुजर रहा था, ऑनलाइन कंपनियों ने भी अपनी ऑनलाइन सेलें लगा के उससे भी जो व्यापार को और प्रभावित किया। अब पंजाब सरकार ने भी 2013-14 के जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने वैट पेंडिंग के या जो लोगों को नोटिस निकाल दिए व्यापारी लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से भी, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, कि व्यापारी वर्ग को आप लोगों ने सहूलत दी क्या है? और उसके बदले आज जब व्यापारी पिस चुका है, इतना ग्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है, कर्जे के नीचे दब चुका है, और आप उनको नोटिस दे रहे हो, ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ की ये भली मंदी है कि व्यापारियों को ही इस समाज में पीसा जा रहा है। हालांकि व्यापार जगत से ही जितना रेवेन्यू सरकार को टैक्स के रूप में जा रहा है और जो सरकारें चल रही हैं, तो मेरी मांग है, पुरजोर मांग है स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज तैयार किया जाए, व्यापारियों को जो टैक्सेस में है सहूलियत दिए जा सके, ताकि जो व्यापार इतने मुँह गिरा हुआ है उसे उठने के लिए, संभलने के लिए कुछ समय दिया जाए, उसकी सरकार मदद और सुध जरूर ले, ना कि उन्हें और परेशान किया जाए और उन्हें और दबाया जाए। जिदा कि सारे पता जी कि इस वे व्यापार में चौ तरफा मार पै रही है, ना साड़ी सरकार कुछ सुनती है, ना साड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सुनती है, तो ना ही पंजाब की सरकार साढ़े वाल कुछ ध्यान देती है। साढ़े तो पहले तो जिस तरह सबू पता है कि करोना का काल चलिया, उस लॉकडाउन हुई, वो व्यापार बिल्कुल अपने गोडिया उत्ते आ गया सी। उसके बाद रही सही कसर किसानों के अंदोलन ने कर दी है, किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई रेलवे की माल नहीं आ रहा। हुण फेस्टिवल सीजन है, बट फेस्टिवल सीजन से भी ऑनलाइन जिस तरह बड़ा वड्डा मुद्दा है कि ऑनलाइन ने भी उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड ने उन्होंने अपन सेलां चलाइया भी हैं, जो थोड़ा बहुत कस्टमर से वो ऑनलाइन वाले पास चुक गया है। साढ़े पठानकोट वास्ते तो खास करके एक और मार है, क्योंकि हिमाचल बड़ी देर बंद रहा है, मेरे ख्याल मुश्किल ना 15-20 दिन तो हिमाचल रह गया, तो जे एंड के हाले तक भी नहीं खुलिया है। उस करके जोड़ा साढ़े को लोकल इतों कठुआ तो या जरा हिमाचल तो जो कस्टमर आता से बिल्कुल बंद है। इस तरह ही चाइना के पंगे दे करके फौज में भी बिल्कुल उन्होंने तो करोना के करके फौज में शहर के आना बिल्कुल बैन किया था, कोई इक्का दुक्का फौजी तुम शहर से ले आया, जबकि पहले फौज के कारण के काफ़ी रौनक होंगी सी। तो पठानकोट के तो व्यापारी जड़े बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं, सानू नहीं पता कि 2021 से किन्ने के दुकानदार अपने कॉन्टीन्यू करने तो किन्ने बंद हो गए। सरकार को चाहिए कि साड़ी किसी तरह की कोई मदद करनी, ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों भी सानू कोई हेल्प नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट वालों भी कोई हेल्प नहीं है, बिल उस तरह ही जा रहे हैं, बिजली के बिल भी उस तरह जा रहे हैं। सानू सरकार कहती है कि अपने मुलाजमान तनखावां पूरी दो, पर असी कितों पैसे ले, सानू सरकार उसका कोई जवाब नहीं। जरा COVID-19 के कारण देश के व्यापारियों का बहुत बुरा हाल हो, क्योंकि लोगों को घर के रहन कारण लोगों को जो पैसे से क्षमता से खत्म हो गई है, इस करके जरा व्यापारियों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सीजन फेस्टिवल सीजन चल रहा, करवा चौथ का सीजन है, देखो जी बाजार के रौनक छाई हुई है, क्योंकि जो लोगों को पैसे होंगे तो लोग बाजारों में आते, जिन्ना रौनक वी, इस करके जी
व्यापारियों का सरकार भी कोई ध्यान नहीं रखती। बार 7 महीने लोग अपने घर में बैठ के अंदरों जो जो भी व्यापारियों को जितने भी पैसे से खत्म हो गए हैं। इस करके जी हूँ फेस्टिवल की दिवाली सीजन आ रहा, दशहरा चला गया, करवा चौथ आ रहा, लेकिन व्यापारियों का जरा देखो दुकाना उत्ते बेरौनकी छाई हुई है। इस करके सरकार भी व्यापारियों के बारे कोई ध्यान देना चाहिए। जय हिंद जय भारत।